हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का चैप्टर, जिसमें आज मैं आपको समरी ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बारे में बता रहा हूं। और ये जो चैप्टर जो आपको मैं दे रहा हूं अपने चैनल ओनली फॉर करियर के ज़रिए से दे रहा हूं, आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं मुझे बेहद खुशी है। मैं चाहता हूं आप देखते रहिए, मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत कोशिश से आप तक सारे चैप्टर पहुंचा रहा हूं। और अभी 10th स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी मैं आपको 9th की तरफ भी लेके चलूँगा, 9th के जो बच्चे हैं, लेकिन 10th वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, लेकिन मैं इसकी ब्रीफिंग कर रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ। हॉरेस डनबे जो 50 साल के करीब हो गए हैं और बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान हैं, और उनके साथ में दो कैंडिडेट हैं जो एक तरह से असिस्टेंट का काम करते हैं, और वो ख़ुद एक ताला बनाने का काम करते हैं, ताला खोलने का काम करते हैं। लेकिन ये जो ताला बनाना या ताला खोलना, ये सब जो काम होते हैं बहुत ईमानदारी के होते हैं, वो अपनी ईमानदारी के लिए खड़े नहीं हैं। कभी कभी उनकी नज़र डगमगा जाती है। वो बहुत ही गो गेटर कैंडिडेट हैं, उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। और मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता दूं कि किताबें जो पढ़ते हैं बहुत कीमती होती हैं, और कीमती जो किताबें होती हैं उसके लिए अच्छा पैसा लगता है, और अच्छे पैसे के लिए उनकी अर्निंग सोर्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। करते क्या हैं वो, उनका एक टारगेट रहता है हॉरेस डनबी का, कि वो एक साल में एक तिजोरी का लॉक ज़रूर तोड़ते हैं या खोलते हैं या चोरी करते हैं, और उससे वो कम से कम 5,000 रुपये कमाते हैं। और वो जो 5,000 रुपये जो उनके लिए होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उससे वो सारी बुक्स ख़रीदते हैं। लेकिन होशियार बहुत हैं, वो बुक्स वगैरह या जो भी चीज़ ख़रीदते हैं उन पैसों से वो डायरेक्ट नहीं ख़रीदते हैं, उन्होंने अपने साथ में एक एजेंट को हायर किया हुआ है। वो एजेंट उनकी सारी बुक्स ख़रीदता है और उनको दे देता है, और उसके बाद वो पढ़ते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि उनको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ आप कह सकते हैं कि वो जो जहाँ पर भी चोरी करते हैं या लॉक तोड़ते हैं या सेफ में हाथ साफ करते हैं, वो ऐसे ही लोगों का करते हैं जो बहुत ही रिच होते हैं। लेकिन गलत तो गलत ही है। एक दिन वो क्या करते हैं कि एक प्लानिंग करते हैं, और एक को अच्छी चीज़ ये भी है कि वो जो भी काम करते हैं बहुत प्लानिंग के तहत करते हैं। जैसे उनको अगर कहीं पर कोई चोरी करनी है तो उसकी बाकायदा प्लानिंग करते हैं, कहाँ से की लेना है, कैसे जाना है, कैसे तोड़ना है, कितना सामान निकालना है, पूरी वो प्लानिंग उसकी करते हैं। तो ग्रेनेज एक जगह है, एक कोठी का नाम कह सकते हो, बंगलो का नाम कह सकते हो, वो इतना बड़ा है कि उसके चारों तरफ भी बहुत सारे मकान हैं। तो इन्होंने प्लानिंग किया कि अब मैं इसके जो सेफ़ है इसमें हाथ साफ करूँगा। इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे रखी है, पूरी प्लानिंग उन्होंने कर ली। और एक दिन इन्होंने इरादा बना लिया, अब वक्त आ गया है इस पे हाथ साफ करने का। तो इन्होंने होशियारी क्या दिखाई कि उसका जो मालिक वगैरह थे ना, वो सब लंदन रहते थे, वहाँ पर केवल दो सर्वेंट रहते थे, और इत्तेफाक वाली बात है कि वो सर्वेंट भी दोनों पिक्चर देखने के लिए चले गए। इन्होंने देख लिया, अब इन्होंने क्या किया, सारी अपनी टूल किट लिए और लेने के बाद उस ग्रेनेज में चले गए। इन्होंने दूसरी चीज़ ये भी देख ली थी कि वहाँ का जो वॉचमैन था या कोई भी था, उसने उसकी की जो थी बाहर एक हुक पे लटका दी थी, उन्होंने बहुत आराम से देख लिया था। तो ये गए, इन्होंने बड़े आराम से वो की ली, और की लेने के बाद जब आगे बढ़े तो उसी के बराबर में किचन था, किचन के बराबर में एक छोटा सा डॉगी लेटा हुआ था, बहुत क्यूट डॉगी था। और वो जब इनको देखा तो डॉगी का क्या होता है, जब किसी अजनबी को देखते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं, उसका नाम शेरी था। लेकिन हॉरेस जो ये थे,
हॉरिस ये भी बहुत होशियार थे, इन्होंने फौरन डॉगी को देखा और उससे बोले शेरी शेरी कम ऑन कम ऑन, इस तरह से इन्होंने किया। तो शेरी चूँकि जानवर तो है ही, उसको ऐसा लगा कि मेरे बहुत अच्छे जान पहचान के, तो वो इनके ऊपर भौंका नहीं बल्कि मोहब्बत वाली उसने अपनी आवाज़ निकाली और अपनी टेल खूब हिलाई और इनके सराउंडिंग एरिया में घूमता रहा। फिलहाल इन्होंने उसकी चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद ये चले गए। अंदर जब गए तो इन्होंने जाके देखा कि जो सेफ जो रखी थी वो एक को बहुत बड़ी फ़ोटो के पीछे रखी थी, और फ़ोटो भी बहुत ही भद्दा था। तो इनको इस चीज़ का बहुत शौक था, तो इनका दिल डगमगाया। इन्होंने सोचा कि मैं इस पिक्चर को ले जाऊं, लेकिन अगर पिक्चर को ले जाता हूं तो इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। तो इन्होंने उसको लेट गो किया, इन्होंने कहा चलो पहले सेफ पे हाथ साफ करते हैं। लेकिन इनके साथ में एक प्रॉब्लम थी, जब ये गर्मी का महीना होता था, जुलाई का महीना होता था, तो इनको बहुत ही एक तरह से ज़ुकाम हो जाता था। इनकी नाक भी निकलती थी, आँख से पानी भी निकलता था, और स्नीज बहुत करते थे ये। तो इनको स्नीज बार बार ये कर रहे थे, तो जब ये ताला खोलने के लिए गए तो इनको बहुत तेज़ छींक आई। जब छींक आई तो इन्होंने देखा कि एक लेडी ऊपर से आई और उसने आके मुझसे कहा कि भाई आपको कोल्ड है या आपको है फीवर है, यानी बहुत तेज़ बुखार है, कोल्ड है क्या? तो ये कहते हैं हाँ मुझे है फीवर है। ये सब भूल गए कि मैं एक चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, मुझसे कौन किस तरह का सवाल करेगा। तो उसने कहा भाई आपको अगर अपना काम अच्छी तरह से करना है, ये वो लेडी कहती है, तो आपको पहले अपनी केयर करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। ये छींक रहे हैं, यानी बहुत बड़ा वो इशारा दे रही है। अब समझ में इनको ये नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रही है। तो ये कहते हैं हाँ मुझे है फीवर है और मैं एक काम करता हूँ, अब मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये समझे कि ये मालिकन है। तो वो कहते हैं नहीं मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूँगी, आप बैठिए अभी, और अभी आपको मेरा एक काम करना है। तो वो कहते हैं क्या करना है? कहता मैं आपका काम कर दूँगा लेकिन आप मुझे जाने दोगे ना? कहा हाँ मैं जाने दूँगी, काम आपको ये करना है कि मैं अभी आज एक पार्टी में जाऊँगी रात में, और उसके लिए मुझे सारे ज्वेल्स वगैरह इसमें से चाहिए थे जो इसमें हैं। ये लेडी बोल रही है, तो कही मुझे ज्वेल्स वगैरह सारा चाहिए थे जो इसके अंदर हैं वो मुझे चाहिए। इतने में बीच में बोल पड़े एकदम कि ठीक है आप इसका पासवर्ड भूल गई हैं, या आप इसका लॉक का जो वो होता है पासवर्ड वो आप भूल गई हैं, या चाबी गुम हो गई, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं आपको निकाल के दे दूँगा। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे कैसे ही मैं भाग जाऊँ। तो वो कहती ठीक है आप निकाल दो और उसके बाद फिर आप जा सकते हो। तो कहा ठीक है। तो इन्होंने ग्लव्स पहन रखे थे उस वक्त, तो ये वो इनको अपने बातों में उलझाती है। इन्होंने क्या किया, ग्लव्स अपने उतार दिए, और उतारने के बाद ये इन्होंने क्या किया कि इतने में वो लेडी ने क्या किया कि एक बराबर में ट्रे रखी थी, उसमें एक चांदी के कवर्ड कवर्ड था चांदी का एक, उसमें उसने कुछ सिगरेट रखे हुए थे, वो सिगरेट उसने निकाली और पीने लगी। तो जब पीने लगी तो उसको लाइटर की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने क्या किया अपने ग्लव्स उतार दिए फ़ौरन, और उतारने बाद उसको उन्होंने मतलब सिगरेट उसकी जलवाई जलाने में हेल्प की। इनके जहन में एक पिक्चर बन गई थी कि ये जो लेडी है ये ऑनर है यहाँ की 100%। तो इन्होंने उसकी सिगरेट जलाई, उन्हें थैंक्स बोला, उन्होंने कहा ठीक है आप मेरा एक काम कर दो, ज्वेल्स वगैरह सारे निकाल दो और उसके बाद आप जा सकते हो। तो इन्होंने सोचा भैया कैसे करके मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना पुलिस पकड़ लेगी तो मुझे फिर से कैदी बना देगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल से 15 साल की कैद काट के ही आए थे। तो उसने फिर इनको ऑफ़र दे दी, ये गए, इन्होंने अपने हिसाब से उसका ताला वाला तोड़ा, सारे ज्वेल्स बन निकाले, और निकालने के बाद इन्होंने उस लेडी को दे दिए, ग्लव्स इन्होंने उतार दिए थे। और देने के बाद बोले कि शुड आई गो, मैं जाऊँ? तो बोले यस यू आर अलाउड टू गो, आप जा सकते हो। ये चले गए, लेकिन इन्होंने उससे एक वादा किया था कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो ये चले गए, अभी खुश हुए कि चलो मालकन भी, मालकन ने कोई रिएक्ट नहीं किया मुझे, और अच्छी थी नेचर की भी अच्छी थी, और ये चले गए। जब ये चले गए 2 दिन तक इन्होंने प्रॉमिस को फुलफ़िल किया कि चोरी नहीं करूँगा, अब कुछ गलत नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि इनकी एक आदत थी बड़ी बड़ी अच्छी किताबें पढ़ना, उसके लिए पैसे चाहिए होते, तो 3रे दिन के दिमाग में फिर हिट आ गया कि अरे वो अब मुझे मैडम की क्या बात याद रखूँ, मुझे तो चोरी करनी है वरना किताबें कहाँ से खरीदूँगा। तो ये प्लानिंग इन्होंने की और उसको इम्प्लीमेंट करते, ये इससे पहले इम्प्लीमेंट करते, दोपहर में इनके घर पे पुलिस आ गई और इनको पकड़ लिया।
और इनसे कहा यू आर अरेस्टेड। तो ये कहते भाई क्यों का, क्योंकि आपने वहाँ चोरी की। बोले मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मैं तो वहाँ पर था, मैडम ने मुझसे कहा ज्वेलरी निकाल के दे दो, मैंने निकाल के उनको दे दी, तो मालकिन के चोरी किया। तो वो कहते नहीं, आपकी फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर मिली थी, आपने ये ज्वेलरी निकाली, ये करा वो करा, तो इसमें हम आपको अरेस्ट करते हैं। इनको बेचारों को अरेस्ट कर लिया और ले जाके कैद में डाल दिया। फिर इनके दिमाग में हिट आया कि अरे वो लेडी जो थी वो मेरे ख्याल से चोर थी, वो भी चोर थी, और उसने कितना मीठा गेम मेरे साथ खेला कि सारा काम मुझसे करवाया मालकिन बन के, और सारा ज्वेलरी लेके निकल गई, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। जब ये जेल में आ गए तो ये फिर पुरानी ज़िंदगी बिताने लगे। तो किसी ने इनसे कह दिया भाई चोर को, चोर के लिए तो एटलीस्ट ईमानदार रहना चाहिए। तो ये बहुत ही नाराज़ हो गए, कहते चोर को चोर के लिए यार ईमानदार रहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है तो इसलिए मुझे कभी भी किसी के ऊपर अब भरोसा नहीं होगा। तो ये थी एक छोटी सी समरी इस चैप्टर की। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसके साथ साथ एक मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए। और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच।